वैशाख मास महत्तम अध्याय 26। हरे कृष्णा राधे राधे। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना सभी जन्मों के पापों को नाश करने वाला और आरोग्यता देने वाला माना गया है। जीवन में प्रभाव पड़ता है, आंतरिक आनंद मिलता है। इसमें बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं। इसलिए सबको वैशाख मास में कुछ ना कुछ शुभ कर्म जरूर करने चाहिए। अंतिम 5 दिन रह गए हैं, इनका उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म करें। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अध्याय 26 सुनते हैं। जय गणेश जय गजवंदन कृपा सिंधु भगवान, मूसक वाहन दीजिए ज्ञान बुद्धि वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पर पूरन हो सब काम, गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 25 में वैशाख की अंतिम 3 तिथियों का महत्व जाना था। अब आज इस अध्याय में ऋषि वाल्मीकि के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनेंगे। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, प्रेम मन और भाव से सुने। शुरू करते हैं। राजा श्रुति किति बोले, हे मुनिवर, मैंने वैशाख के फलदायक सब धर्म सुने, पर सुनते सुनते मेरी तृप्ति ही नहीं होती। इसलिए मुक्ति भुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन कीजिए। राजा के इन वचनों को सुनकर अति प्रसन्न हो श्री शुतदेव जी बोले, राजन, मैं पापों को नष्ट करने वाली एक कथा कहता हूं, तू चित्त लगाकर सुन। ये वैशाख के धर्म संबंधी कथा मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा नदी के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम जल शून्य और भयानक निर्जन बनाया, जहां ना कोई मनुष्य था ना जल था। वैशाख का महीना था और दोपहर का समय था। वो तेज धूप से दुखी हो किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। उसी समय कोई दूराचारी व्याध हाथ में धनुष बाण लिए वहां आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को देखकर बांध दिया और उनके कुंडल जूता छत्र रुद्राक्ष की माला कमंडल सब छीन लिए और फिर उन्हें छोड़ दिया। तब वो ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पांव धूप से जलती हुई रेत पर चलने लगे। पांव जलने से वो बहुत व्याकुल हो गए और बैठकर हाय हाय करने लगे, जिसको सुनकर वो व्याग शीघ्र ही उनके पास आया और मुनि को दुखी व्याकुल देखकर उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और वो सोचने लगा कि इनके नए जूते तो मैंने ले ही लिए हैं, इसलिए उसने उस ब्राह्मण को अपनी पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो व्याध को आशीर्वाद देने लगे कि तू सुखी हो, तूने वैशाख में जो ये दान दिया है इससे तेरे पुण्य उदय हो गए हैं, इसके प्रभाव से भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित हो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर आपको पुरानी दी, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है। हे ब्राह्मण, वैशाख धर्म क्या है और हरि कौन है, ये सब आप मुझसे कहिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर शंख मुनि प्रसन्न हुए और वैशाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल तो जन्मांतर से मिलता है, पर वैशाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याध ने पात्र दान किया जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान तप बड़े बड़े यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा करने से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते, पर वैशाख युक्त धर्म करने से जितने प्रसन्न होते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होता है वो बहुत अधिक खर्च करने अथवा दान या धर्म यज्ञों के करने से भी सिद्ध नहीं होते हैं।
इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलवान एक सिंह व्याध के वध के लिए अत्यंत क्रोध कर दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया। बीच में दैवयोग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले सिंह ने उसको मारने का यत्न करा। उस वन में दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखते हुए पड़े रहे। उधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याध को सुनाई, दैव योग से उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसको सुनने से इनके शरीर निर्मल हो गए और सब पापों से छूटकर तत्काल पशु योनि छोड़कर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। ये दोनों सर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़े होकर मुनीश्वर को प्रणाम करने लगे। फिर धर्म प्रदेशक मुनिवर मार्ग में व्याध के निमित्त उन्हें देखकर विस्मित हो पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने को क्यों तैयार होते हो? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापो, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसा कहने पर वो कहने लगे, मतंग मुनि के दंतिल और कोलाहल दो पुत्र हुए, श्राप दोष से उनके ये नाम हुए। हम दोनों वही हैं। एक दिन हमसे हमारे पिता मतंग ऋषि संपूर्ण धर्मों के जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में वैशाख युग धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता की बात सुनकर मुझ दंतिल को बहुत गुस्सा आया और कोलाहल मदोन्मत्त हो गया। तब धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर शाप दिया, हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मदोन्मत्त कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब हमारे पिता ने श्राप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिनों के बाद एक दूसरे को मारने को उद्धत होगे। उसी समय व्याध और शंख ऋषि के वैशाख धर्म संवाद दैव योग से तुम्हारे कानों में जाएंगे। तब तक्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और श्राप से छूटकर पहले का रूप धारण करके मेरे पास आ जाओगे। पिता के इस श्राप से हमको पशु योनि मिली। अब जो कुछ भी हुआ वो बाकी आपने देखा। दैव योग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। इसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो गई। ये कथा कह दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार कर आज्ञा मांग अपने पिता के पास चल दिए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महत्तम है। जब मुनि ने इस प्रकार कथा सुनाई तब व्याध अपने शास्त्र फेंक कर कृपालु ऋषि से कहने लगा, मुने, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूं। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहां मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध और कहां मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूं। साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूं, कृपा पात्र हूं। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुखों को प्राप्त नहीं होता। अतः आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए, जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाला मनुष्य अनन्यास ही भव सागर से पार हो जाए। साधु पुरुषों का चित सबके प्रति समान होता है। वो सब प्राणियों के प्रति दयालु रखते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई ऊंचा है ना नीचा है, ना अपना है ना पराया है। मनुष्य संतप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछते हैं, तब तब वो उसे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली है, उसी प्रकार मूर जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही बन गया है। व्याध के ये वचन सुनकर शंख ऋषि ने कहा, व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए हैं उनका पालन करो। फिर ऋषि पुनः बोले, हे व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है, ना छाया है ना पानी है,
कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वच्छ चित हो तेरे सामने भगवान विष्णु के माधव मास का महत्तम जो पापनाशक है उसका वर्णन करूंगा। मुनि की यह बात सुनकर व्याद वहां से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर पे ले गया जहां पर जल के जीव बगुला राजहंस आदि सरोवर में शोभा दे रहे थे। कुमंदनी कोकुनद आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे थे। भौरे गुंजर कर रहे थे, पक्षी कलवर कर रहे थे। किनारे पर बांस के वृक्ष तथा बड़ कदंब इमली और सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे थे। वन के हाथी हिरण शूकर सिंह सुअर गाय खच्चर आदि विचर रहे थे। बंदर लंगूर आदि छलांगे मार रहे थे। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे थे। मुनि ने उस रमणीक सरोवर में जाके स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजन आदि किया। फिर देव पूजा करने के बाद व्याध के लाए हुए स्वादिष्ट कैद का फल खाया। ऋषि शंख जब खा पीकर सुख पूर्वक विराजमान हुए उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, मुनि किस कर्म से मेरा तमोमय व्याध कुल में जन्म हुआ और किससे ऐसी बुद्धि तथा महात्मा की संगति प्राप्त हुई। प्रभु यदि आप ठीक समझे तो मैंने जो कुछ पूछा है वो तथा अन्य जानने योग्य बातें भी मुझसे कही। वैशाख मास महत्तम अध्याय 26 संपूर्ण। कल अध्याय 27 में आगे की कथा सुनेंगे और जानेंगे कि शंख मुनि ने व्याध के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया। लास्ट में याद रखो, शन भंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, ना जाने कब देह कपंची कर जाए प्रस्थान रे, है ना। ये बात याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से ही छुट्टी पालो, क्योंकि कलयुग केवल नाम धारा, सिर्फ नाम जाप करके प्रेम भक्ति मुक्ति शक्ति सब पाया जा सकता है। हर समय हर पल हर सांस के साथ मन से प्रेम से भाव से जाप करते रहो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वैशाख मास का प्रभाव सबको बतलाओ, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।